बात है, अपने अपने पार्ट पर बोलो। तुम पूछ क्या रही हो? इसी सबसे पूछ रहे थे क्योंकि फरुखाबाद में तो ऐसे बोला गया कि मैंने पूरे माता मैंने औरों को भी यदि हम पति से देते हैं माता पिता को तो हमको पूरा पूरा देना है। उसको अपना जगदम्बा मानता है तो वो जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा है। फिर लिखाओ, दोनों का भी परिचय देना है। हाँ, दोनों का ही परिचय देना, क्यों नहीं देना? जगत पिता है तो जगत पिता के साथ जगदम्बा नहीं है, है तो परिचय दो। खंड एक में मैंने पढ़ा था ना, पॉइंट था कि क्या बोलते हैं कि पहले पहले त्रिमूर्ति का भी संज्ञान देने चाहिए। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा का पहले परिचय तो हम सुबह से आत्मा परमात्मा से शुरू करते हैं, तो उसमें हमको त्रिमूर्ति का परिचय पहले देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? बाप का ही तो परिचय देना है। तो आत्मा परमात्मा का मतलब आत्मा का पहचान ही नाम होगा, फिर परमात्मा का पहचान होगा, तो फिर माँ पिता को फिर कैसे पहचान? परमात्मा आत्मा नहीं है, आत्मा है। तो बाबा ये है बात, मतलब आत्मा परमात्मा का परिचय देने के बाद फिर त्रिमूर्ति को उसी में परमात्मा की परिचय देते हैं ना, तब त्रिमूर्ति का आयत। अरे बिना आत्मा के परमात्मा हो जाएगा? फिर देना पड़ेगा ना, वही पहले आत्मा और परमात्मा का परिचय। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का परिचय देना ही त्रिमूर्ति का परिचय देना है, उसी में कंटिन्यू करते। और क्या, आत्मा का परिचय नहीं देंगे तो परमात्मा कैसे साबित हो जाएगा? परमपिता भी साबित नहीं होगा, प्रजापिता भी साबित नहीं होगा। परमपिता परमात्मा शिव का परिचय देना है तो आत्मा का तो पहले परिचय देना पड़े, और बेसिक में बाबा ने बोला जैसे अभी जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है बेसिक के लिए, जितना बाबा ने उसके बारे में कंफर्म किया है चित्र के बारे में उतना ही समझाने के लिए बोला ना, माया के मत पर देर के डर चित्र बनाया गया है। ठीक है, लेकिन पथ प्रदर्शन किताब हम लेके फिर नहीं जाना है। किसने, बाबा ने बोला? नहीं नहीं, उसने तो देखा चित्र आते हैं। बाबा ने क्या बोला है कि पथ प्रदर्शन किताब लेके जाओ? फिर चार चित्र में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। वही अभी एडवांस में जो चपी गई है अनुठी, उसको ही लेके जाएंगे उसकी आधा परिक्रमा। और क्या, बाबा ये भी बोलते हैं कि भर्ती के लिए बोला जाता है जब तुरंत माना तुरंत ही तुरंत भर्ती करेंगे तो अच्छा, जितना जल्दी भर्ती करेगा तो उतना जल्दी उतना अच्छा फायदा है। कोई जरूरी थोड़ी, माना आत्माएं आते हैं तो क्या कहते हैं, पहले तो कोर्स होता है, कभी कभी इधर क्या होता है जब जाते हैं कोर्स करके जाते हैं, लेकिन वो इतना निश्चय बुद्धि माना उसके बारे में पूरा पहचान भी नहीं होती उनको। कोर्स करने के बाद फोर्स आया नहीं, भर्ती करने के लिए जाते हैं जाने के टाइम इधर बीच में समय देते हैं। कोर्स करने के बाद उनको फोर्स आया, वो 5 घंटे का टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, फिर हमको कोर्स कराने चले जाते हैं। फिर कैसे पता चलेगा कि उनको फोर्स आया? जिसको फोर्स आएगा वो बाप से मिलने की जिद करेगा, हमें बाबा से मिलाओ। उसके लिए तुम कहोगे कि साप्ताहिक कोर्स करना पड़े, उसके लिए तुमको आपको भट्टी करना पड़े, नहीं तो बाबा नहीं मिलते हैं, कहेंगे हम वो भी करेंगे, सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसको फोर्स नहीं आएगा वो भट्टी अट्टी कुछ भी करने के लिए तो भाग जाएगा। ये भी एक बात है, कोई कुछ इच्छा रखते है, मना अभी अभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक आत्मा क्या किए कोर्स करने के लिए आए, तो कोर्स भी कराया, लेकिन पता नहीं तो उनका उद्देश्य कुछ और था, भर्ती भी करने के लिए तैयार हो गए। तुमको परखना है ना, लेकिन वो कैसे हमको पता चला? अभी तो कुछ ना कुछ बातों में अभी पता चल गया, लेकिन
वो परख शक्ति होनी चाहिए ना इतनी, देखने से ही परख, हाँ परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दो शक्तियाँ आत्मा में बहुत जबरदस्त शक्तियाँ काम करती हैं। जो पावरफुल आत्मा होगी ये दो शक्तियाँ पहले उसमें काम करेंगी शुरुआत से। फिर बाबा कोई आत्मा ऐसे है क्वोट करने के टाइम ऐसे शास्त्रों की बातें बहुत उठाते हैं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं हमने ऐसे करते हुए देखा, मैंने कोई ईंट पत्थर ही खा के वो जिंदगी जी रहा है, तो उन और बोलते हैं जादू मना ऐसे ईंट पत्थर खा के कौन जिंदगी जी रहा है। एक भाई ऐसे बोल रहे थे, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, हमने खुद आंखों से देखा है क्या कि पत्थर खा के जिंदगी जी रहा था। कैसे है? पत्थरों में से, पहाड़ों में से टिड्डी निकलती है, उसके लिए तो कह सकते हैं कि हाँ टिड्डी जो है वो पहाड़ों के अंदर पत्थर चाटती रहती है और जिंदा रहती है, लेकिन मनुष्य जिंदा रहते हैं तो कोई प्रूफ नहीं है कि पत्थर खा के आदमी जिंदा रहता है। फिर ये लोग तो जो सक्सेस वाले कोई कोई होते हैं ना, वो लोग ट्यूबलाइट खाते हैं, ट्यूबलाइट खाते हैं, ट्यूबलाइट भी खाते हैं, वो वो सिर्फ तुमको दिखाते हैं, जिंदगी भर के लिए ट्यूबलाइट उनका भोजन नहीं होता है। बाबा ये टिड्डी दल एडवांस में बना, टिड्डी माने एक तरह का कीड़ा होता है इतना बड़ा जो पहाड़ों में से निकलता है और ढेर का ढेर निकलता है, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में कीड़े निकलते हैं और उड़ते चले जाते हैं और कहीं फसल पर जाके बैठ जाते हैं, सारी फसल खत्म, भुट्टा हो सारे दाने चबा जाएंगे, गेहूं है सारा गेहूं खा जाएंगे, चावल है चावल के सारे दाने खा जाएंगे। यहाँ भी ऐसे होता है, ढेर के ढेर निकल पड़ते हैं डिस्टर्ब करने वाले, हुजूम की हुजूम मैंने वो तो इकट्ठे निकलते हैं और क्या। अभी मैंने आने वाली छुट्टी की बात की या अभी की बात, आने वाली छुट्टी की बात की या क्यों सर, 98 टिड्डी दल नहीं निकला था हाँ विष्णु पार्टी का, थे कितनों को खा गया। ये और एक बात है कि तांत्रिक विद्या जो है उसमें ये दिखाया जाता, मैंने ये साबित करते हैं वो लोग कोई आत्माएं कहीं रहते हैं तो वो चित्र सहित देख लेते, मैंने कोई एक एक आत्मा उसको देख लेते, वो कैसे होता है बाबा, मैंने फिल्म जैसे वो लोग देख लेते हैं तो क्या हुआ, तो वो कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, तो भूत प्रेत विद्या, भूत सीखने की तुम्हारी दिल है नहीं, मैंने हम छोड़ दो वो बात नहीं बाबा, क्वेश्चन करते हैं ना, क्या क्वेश्चन करते हैं, आत्माएं जो क्वेश्चन करते हैं ना, हाँ वो भूत प्रेतों को सिद्ध करके उनके द्वारा देखते हैं उनकी आंखों से, अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, भूत प्रेतों को अपना शरीर नहीं होता है, वो अभी अभी यहाँ है और अभी अभी उनसे कहो वहाँ की बात देख लो तो एक सेकंड वहाँ जाकर सारी बात देख जाएंगे, तिजोरी के अंदर कितने नोट पड़े हुए हैं वो भी देख करके बता देंगे, लेकिन सब नहीं, कोई तीखे होते हैं बुद्धि के, कोई बुद्धि के ज्यादा तीखे नहीं होते हैं, तीखे होते हैं और तीखा काम करते हैं। इनको याद कैसे रहता है बाबा, अगर दूसरे लोग इनके ऊपर से करेंगे तो जो माना शरीरदारी जो होता है उनको याद कैसे रहता है, क्या कैसे रहता है याद, तो जो उनके आकर के अंदर जब प्रवेश करके बोलते हैं तो कुछ बात उनको याद रह जाती है, कुछ बात याद नहीं रहती। बाबा ये सूर्य में सर्प निकलते हैं, सर्प निकलते हैं तो जैसे वो लोग कहते हैं कि उनको मारना नहीं चाहिए, अब वो लोग तो उसको मार देते हैं, तो इसको बेहद में अर्थ कहते हैं, सांप तो विकारी होता है, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, सांप तो विकारी होता है, सांप निकलेगा तो काटेगा भी, तो काट सकता है कि नहीं काट सकता है, तो मनुष्य की जिंदगी बचाओ के लिए सांप को मार देना ठीक है या घर में छोड़ देना ठीक है, डर लगा रहेगा पता नहीं कब बच्चों के ऊपर हमला कर दे, हमारे ऊपर हमला कर दे, सोते समय हमला कर दे, पता नहीं
तो घर में अगर सांप है तो मार देना ही अच्छा या पालना अच्छा? देखो देख, अच्छा सपेरे कोई बनाने दो अपना है देख बाबा भी इसका प्याला पिया है तो बाबा भी इसका प्याला पी जाए तो बाबा भी तुम्हारे बच्चे में सकती बाबा जानवर की आत्मा है मनुष्य शरीर में प्रवेश कर सकती है नहीं ना कमाल है तुम्हारे तेरे अंदर कीड़े मकोड़े प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं अरे हैं क्यों ओ हजार पांव वाला वो कीड़ा तेरे अंदर तो नहीं प्रवेश करता है बेहद की बात जो जिस बीज की जो जिस जाति का होगा उसी में प्रवेश करेगा है पपीता आम के पेड़ में कैसे प्रवेश कर जाएगा बा भैया बाबा कृष्णाली जो सोन होती है उसको कहते हैं ना ज्यादा पतित बनती है ना ज्यादा पावन बनती है तो मतलब श्याम और सुंदर क्यों कहा गया है? वो कृष्ण है वो तो झूठा कृष्ण है असली कृष्ण तो राम वाली आत्मा है जो अति की अपवित्र बनती है और उसी शरीर से अति की नारायण बन जाती है तो सच्चा कृष्ण झूठा कृष्ण का तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है, है? ब्रह्म कुमारी को क्या समझाओगी है गीता का भगवान कौन है कौन सा कृष्ण गीता का भगवान है बाबा हाँ तो संगम भी कृष्ण है गीता का भगवान है और उसमें पुरुषोत्तम संगम भी कृष्ण गीता का भगवान है या साधारण संगम भी कृष्ण गीता का भगवान है बोलो देखो वाला ये अपने बीच में टांग उजेड़ देते दूसरी की बात नहीं समझ में आएगी हाँ क्या हुआ हाँ पावन बनती है तो कौन है कृष्ण की सोल कौन है जो श्याम बनता है अति का 100% ब्रह्मा बाबा 100% श्याम बने बने फिर तो श्याम कहाँ है वो तो कितने अच्छे थे उनकी बुराई किसी ने सुनी देखी फिर उनको श्याम क्यों कहा तो है ही नहीं श्याम कौन है श्याम है अरे बढ़िया तो श्याम भी है तो सुंदर बनेगी कि नहीं उससे ज्यादा कोई सुंदर बनेगा तो वो सबसे ज्यादा सुंदर ही बनता है ज्यादा श्याम ही बनता है सर बस सबसे अच्छा याद जो होती है नारायण की याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है ऐसे बोला सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना लेकिन नारायण जो संगम अंत में तो मना ये वो प्रत्यक्षता होगा ना नारायण का तो अभी थोड़ी हुई प्रत्यक्षता अभी हम पता ही नहीं ना 76 में तो हुआ लेकिन हुआ वो तो गुम हो गया वो तो दुनिया भर की उसकी तो बुराई निकल पड़ी और जेल में चला गया नारायण काय का अखबार में उसके उसके जो बना जो मना मेन जो पॉइंट्स हैं उनके जो बनाता है नारायण के लिए बात निकल रही है सभी थोड़े क्यों सागर से नारायण वाली आत्मा है लेकिन तुम क्यों बोल रही प्रश्न उसका है नहीं कि तुम्हारा है हाँ तो जो बोल रहे मैंने सभी लोग तो अभी तो मान रहे अभी तो नहीं मान रहे ना हम मानेंगे ना सभी लोग मान रहे हम तो मान रहे लेकिन एडवांस की सारे लोग थोड़ी
सारे लोग थोड़ी मान रहे, जो दूसरे धर्म के बीज होंगे वो थोड़ी मानेंगे, जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो। इसका मतलब नारायण को याद करना मतलब देवी देवता आत्माएं जो होंगे वही याद, जो उस धर्म के नहीं होंगे वो उसकी ग्लानी करेंगे या याद करेंगे, ग्लानी करेंगे, उन्हें थोड़ा भी कहीं देखने को मिल जाएगा नुक्स या कोई बात ऐसी, फटाक से घुस जाएंगे ग्लानी करना शुरू कर देंगे। जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की सूर्यवंशी आत्माएं होंगी, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे, है बकता रहे, उनकी ये बुद्धि में थोड़ा ही आएगा कि नारायण नारायण है ही नहीं इस दुनिया में, उन्हें नारायण दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा। अरे नारायण सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, तो नारायण है तब याद करेंगे, नारायण है ही नहीं तब याद करेंगे, है बाबा भी तो कभी कभी मैंने क्या बोल देते अभी तो पुरुषार्थी नहीं तो क्या है रामबाली आत्मा, लेकिन नारायण तो पुरुषार्थ संपन्न होगा तभी तो नारायण का टाइटल मिल जाएगा। वो तो ठीक है, जब होगा तब होगा, जब होगा तब होगा, अभी तो नारायण नहीं बन गया। अभी पति तमो प्रधान है कि पावन है, तमो प्रधान तो है, तमो प्रधान पति तमो प्रधान तो है, हाँ ऊंचा उठ, ऊंचा उठ रहा है, लेकिन जब तमो प्रधान दिखाई पड़ रहा है पति कर्म करते हुए हमें देखने में आ रहा है तो हम उसको नारायण क्यों माने। बाबा जी ने समझ दिया है कि जो कर्म करे है, कैसा भी कर्म हो, लेकिन मैंने ये सोचना है कि मैंने खराब काम करता है, मैं कर्म जैसे जो भी करते हैं, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट की हमको ये समझना है कि जिम्मेवारी हो जाती है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही तो ये रखना, हमको दृष्टि रखना है कि पता कैसे चले सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है कि नहीं करता। मुरली क्या आधार पर, मुरली क्या कहती है, मुरली ने कहा आधार पर, तो मुरली ने कहा कह दिया इस आदमी में सेवा बाबा आता है, कोई मुरली में कहा कि इस आदमी में सेवा बाबा आता है, औरों को भी यदि हम परिचय देते हैं मातृत्व तो हमको पूरा पूरा देना है। कौन है शंकर, ये है कि ये है कि ये है कि वो है कि कौन है, कैसे पता है, फरुखाबाद में ढेर सारे आदमी रहते हैं, पता नहीं कौन सा उसके लिए तो भेज दिया ना, तो ढेर सारे आदमी है ना फरुखाबाद में, नाम रूप देश क्या सारा, अरे ढेर सारे लोग हैं फरुखाबाद में, कितने लोग हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ों, लेकिन नाम रूप देश काम में तो क्लियर हो ही जाता है ना, वो क्या क्लियर हो जाता है, फरुखाबाद कहते नहीं जिन काम क्लियर हो जाता है, किस तरीके से, हाँ वही तो तरीका नहीं मालूम है इसीलिए तो नारायण नहीं मालूम है, अब तरीका मालूम हो जाएगा तो नारायण का भी पता चल जाएगा। 76 में नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई, कितने के सामने, कितने लोगों के सामने, कितने लोगों के सामने प्रत्यक्ष हो गई थी, है कम कम से कम कितने लोग, है अच्छा 100 लोगों का संगठन बना दिल्ली में, ठीक है जिन 100 लोगों का संगठन दिल्ली में बना उनकी आज हालत क्या है, है? तो फिर तो नारायण को उन्होंने पहचाना, पहचाना फिर तो ना नारायण रहा ना नारायण को पहचानने वाले रहे, नारायण को पहचानने की विधि, विधि तो भगवान बताता होगा, लेकिन बाप का प्रत्यक्ष होने का जो डेट बताया वो तो 76 से बताया है ना, हाँ हाँ 76 में बाप भी प्रत्यक्ष हो रहा है, न्याय भी प्रत्यक्ष, वो तो अव्यक्तवाणी में बोला, फिर बाबा वो तो विदर्भ में आत्मा साबित हो गए ना, कौन मैंने जो नारायण को अभी याद कर रहे हैं, नहीं प्रत्यक्ष करके फिर भूल मैंने ये कर रहे हैं, हाँ 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 सारे के सारे, अच्छा ठीक है, क्योंकि बाबा ने अभी बोले ना कि
अच्छा ना तुम दे दो तो कर्म वाले वही तो ये करेंगे। हाँ हाँ सही बात है। और उस बात ही तो हल नहीं हुई। नारायण भी याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। किस तरीके से मैंने किस हिसाब से बोला गया नारायण को? नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ। नारायण को पहचानेगा कौन बनेगा नारायण तभी तो किसी का जो ये बनेगा उसके बारे में दुनिया भर की आप बातें आ गई। ये तो ऐसा है वो तो वैसा है ये ऐसा करता है वो वैसा करता है। क्या इशारा दिया है? अनुभव की बात। क्या अनुभव है तुम्हारा? तो अपना अनुभव कैसे बताओगे लोगों को? अब गुंगा है उसने गुड़ खाया उसे पूछो कैसा है गुड़ क्या बताएगा बेचारा बताएगा बताओ तो गूंगे हो। अरे रुद्रवाला के मणके लूले लगड़े गूंगे खाने कुजे जाने पता नहीं कैसे कैसे होते तो तुम गूंगे हो तुम बता नहीं सकते। कि नारायण कैसा होता है? किसकी दाना? बाबा ने बोला ना तुम्हारी हमारे अंदर कमजोरी है पहचान नहीं दे पा रहे नहीं दे पा रहे तो खुद नहीं पहचाना होगा तभी दूसरे को नहीं दे सकते। अरे जिसने पहचाना होगा दूसरों को पहचान नहीं दे सकेगा। पक्का प्रूफ दुनिया तो प्रूफ तो मांगेंगे ना। हाँ। हम तो मतलब कोई ऐसे है भावना के आधार पर मान लेंगे। हाँ ब्रह्मा को भावना के आधार भगवान मान लिया ये इनमें भगवान आते हैं कोई प्रूफ है कि ब्रह्मा भगवान आते थे? मुरली से दुनिया भर के जितने गुरु सब मुरली चलाते हैं। कोई गुरु ऐसा है धर्म गुरु जो मुरली नहीं चलाता? ब्रह्मा बाबा खुद अपने को कहते थे मेरे अंदर शिव बाबा आता है मैं ब्रह्मा की सोलू शिव हम ब्रह्मा की बाबा ये बात कैसे साबित होती है? ब्रह्मा खुद अपने को क्यों कहते कैसे नहीं कहते मेरे अंदर शिव बाबा आता है मैं शिव बाबा को नहलाता हूँ मैं शिव बाबा को खिलाता हूँ शिव बाबा को खिलाता हूँ क्या नहीं क्लियर हुआ है? तो जिस क्लियर होगा वही तो दूसरों को सुना सकेगा समझा सकेगा। सबसे अच्छा बाबा ने तो मुरली बोल दिया सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो नारायण को पहचानना पड़ेगा ना तभी तो नारायण को याद करेगा। खुद ही नहीं पहचाना होगा तो दूसरों को पहचान कहाँ से देगा कहाँ से याद कराएगा? पहचानने के बाद उसे डरता कोई ना कोई लड़खड़ा देता है भगवान बाप आया हुआ है भगवान बाप हमें पालना दे रहा है। फिर कोई आता है कहता अच्छा कैप्रिकार्डर लोगे? हाँ तुम्हारी मर्जी दे दोगे तो ले लेंगे। तो भगवान साबित हो गया ना फिर आया कि नहीं आया है? अरे भगवान बाप आ गया है तो भगवान बाप से पालना लेगा कि दूसरों से पालना लेगा देगा? वो देगा तो उसकी चीज याद आती रहेगी वो आदमी याद आता रहेगा भगवान तो भूल जाएगा। बाप पना है तो बाप पना तो हरदम आ जाता है देगा वाला और दूसर को याद हरदम आ जाता है। दूसर कोई का मतलब नहीं रहता है माता पिता। देखो माता जी लाख टकी की एक बात कही दादा ओए भिक्षा मांगने आते उसको भिक्षा देना चाहिए कि नहीं? भिक्षा मांगने क्या लेके आती है उसकी भिक्षा देना चाहिए कि नहीं? हाँ भिक्षा देना चाहिए। और पैसा और चावल सामान जो कि आते घर घर में तुम पैसा दे और वो शराब जाके पी ले तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा ना?
इसलिए पूछ रहे देना चाहिए कि तो बता तो दिया, तुम पैसा दोगी और वो दुकान में जाके पैसे शराब पी के गाली गलौज करेगा, घर वालों को बच्चों को पिटाई करेगा, तो उसका पाप किसके ऊपर पड़ेगा? अच्छा बाबा, ओनली पॉइंट है कि इस सरकार रथ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, तो सरकार रथ का ख्याल रखने के लिए माताएं तो भावना वाली है, बाबा को कुछ न कुछ खिलाने के लिए पिलाने के लिए आते, लेकिन बाबा का थोड़ा रथ का ख्याल रखने के हिसाब से टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, उससे माता दुखी होती है। तो ऐसा करने से कुछ माताएं आप शब्द भी बोल देती है, मतलब कुछ माताएं दुखी होकर के अपशब्द भी बोल देती है। तो ऐसे में माताओं की तो बदवा लग ही रही है, हमें लग रही है। मना एक तो हम सर हम तो इस हिसाब से माताओं को रोक रहे हैं कि मना कि सर अभी बोला गया है कि सर मैं कि जिस तन में प्रवेश करता हूँ सर वो तन तो टूटा फूटा है, तो हम तो सर शरीर का ध्यान रखना पड़े ना, लेकिन माताएं तो भावनावादी हैं, तो क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ तो खिलाने के लिए पिलाने के लिए लेके आते हैं, लेकिन बाबा का तो इलाज चल रहा है, परहेज चल रहा है, तो थोड़ा कंट्रोल करना है ना। इस सब से हम रोकते टोकते हैं तो माताएं नाराज होती हैं। तो पहले से पढ़ाई पढ़ा के रखो ना, तो सुनते कहाँ है बोलते हैं कुछ ना कुछ। उनको पहले से पढ़ाई पढ़ा के रखोगे कि तुम्हारा बच्चे को लीवर खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि जो लीवर खराब है उसको अगर घी खिलाओगे या घी की या तेल की तली हुई कोई चीज खिलाओगे तो मर जाएगा बच्चा, मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? माताओं की बुद्धि में बैठेगा कि ऐसे ऐसे पथ्य बताया हुआ है तो क्यों खिलाएंगे? फिर तुम माताओं को यही नहीं सिखलाते कि शिव बाबा तुम्हारा बच्चा है? बोलने पर बच्चा तो है, लेकिन बच्चे को लिए प्यार, बच्चे के लिए जो प्यार होता है उसको दिखाए हम तो बच्चे को तो, कोई माता ऐसी होती है कि अपने बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने मना कर दिया है इनको घी मत पिलाना क्या, और वो घी उसको पिला देगी? मना करने पर भी, अरे मना पर भी तो वही करते है। कोई अपने बच्चे को खिलाती है क्या? अरे पिछली बार की तो बात, अच्छा कोई अपने बच्चे को खिलाती है क्या? नहीं, जो डॉक्टर ने चीज मना कर दी वो खिलाती है? आपको तो खिला देते हैं। तो तुमने नहीं समझा पाया ना कि तो माताओं को अपना बच्चा बनाना चाहिए शिव बाबा को, क्या किनको बोलने से नहीं होता है? बुद्धि में बैठा हो कि माताओं को पहली धारणा ये कर रही है कि शिव बाबा के साथ जब संबंध जोड़ने की बात आती है तो पहले अपना बच्चा बनाना है, बच्चा बनाना पड़े, अगर बच्चा नहीं बनाएंगी तो पुण्य नहीं बनेगा, पाप ही पाप बनता रहेगा। माताओं के लिए खास धारणा है क्या? शिव बाबा के साथ कौन सा संबंध जोड़ना? बच्चा और माँ का संबंध जोड़ना पहले पहले। तो तुम बुद्धि में बैठाती नहीं हो, जो खुद धारणा बुद्धि में बैठी होगी वही दूसरों को सिखाएंगे। अरे हमारे अंदर चोरी का गुण है, चोरी के हम बहुत से तरीके जानते हैं, तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? चोरी करना बड़ी जल्दी सिखा देंगे। देखो सीधी सी बात, फिर जबरदस्ती तुमको बाबा ये नहीं खाओ, बांटो निकलो बाहर, बांटो बांटो, उनको बेचारों बुरा लगेगा। उनको पहले समझाओ कि ये तुम्हारा बच्चा है। तैयार कहाँ, रुकने को तैयार कहाँ है, एकदम टूट पड़ते हैं। पहले से ही समझा के रखो। बाबा को बोल फिर बोलते हैं कि बाबा को क्या बोलते, इतने दिनों के बाद आते हैं, मिलने भी दिए नहीं दिया जाता है, रोका जाता है, रोका जाता है, बस। एक माता जी है धम्बा जी की माता जी, जो बूढ़ी नेपाल गंजी में, उसके बेटी ने भर्ती करने के लिए तैयार है, वो एक दिन सड़क पे के हमारे गीता पाठशाला में आई, हमने मना कर दिया, शराब पी के आए एक दिन भर्ती करने के लिए तैयार था, और एक दिन शराब पी के आए, हमने आई थी मना कर दिया, आप जाएंगे तो शराब छोड़ दे तब जाएंगे, बोल रहे थे अभी तक उसकी शराब नहीं छोड़ा, उसको लाना चाहिए था कि नहीं? शराब और आप पीने वालों को घुसने नहीं देना, घर में घुसने नहीं दिया, गीता पाठशाला में नहीं आने देना, नहीं आने, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे माता, कोई भी बाबा। कृष्ण के लिए बोला जाता है
शिव बाप के लिए भी सलोना है प्यारा, मैंने प्यारा है, और प्रजापिता वाली आत्मा के लिए भी प्यारा है, मैंने दोनों के लिए भी प्यारा है, लेकिन प्रजापिता वाली आत्मा तो पुरुषार्थ आत्मा है ना, फिर शिव बाप के लिए कृष्ण वाली आत्मा क्यों इतना प्यारा हो जाता, मैंने प्रजापिता वाली आत्मा क्यों जो कृष्ण वाली सोल जो है वो दोनों के लिए भी सलोना है प्यारा है बोलते हैं, हर बाप अपने बच्चे को अपनी जान से प्यारा समझता है कि नहीं? समझता। घर में आग लगेगी तो पहले अपने को बचा के रखेगा कि पहले बच्चे को बचाएगा? किसको बचाएगा? बच्चे को। प्राण की बाजी लगा करके भी पहले बच्चे की सुरक्षा करेगा, तो बच्चा जो होता है बाप के लिए प्राण कहा जाता है, तो प्रजापिता के लिए कृष्ण बच्चा प्यारा है, ये तो ठीक बात है, लेकिन शिव बाप के लिए भी तो वही प्यारा है करके बोल दिया, मतलब उनके लिए भी तो प्यारा बच्चा है। शिव बाप के लिए वो बच्चा नहीं है पहले, क्या और सब आत्माएं शिव बाप के लिए बच्चा है, और सब आत्माएं बच्चा है, लेकिन शिव जब ऊपर से आता है तो उसके साथ पहले पहले क्या संबंध जोड़ता है, जिसमें आया तो पहले क्या संबंध जोड़ा? बन्नी बना, तो फिर वो बन्नी है या बच्चा है? फिर पांच तत्वों का आधार लेना पड़े ना, तो प्रजापिता पांच तत्वों का चोला है, तो पहले क्या है प्रजापिता? बन्नी है। बाबा ये मुरली मुरली के टाइम बना, मुरली पढ़ते जाते हैं, मना मुरली का क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, बीच में मुरली में नोट भी किया जाता है, मैंने वो ब्रह्मा वाले आत्मा करते हैं, नोट करते हैं ना जब चलाते हैं तो क्या बोलते, मुरली में अंडरलाइन अंडरलाइन करते हैं, तो वो कौन से सोल कर रही है ये पूछ रहे हैं, सोच रही की बात है, कौन सी सोल करते हैं ब्रह्मा वाले, हाँ बाबा कि अभी शिव बाप साथ तुम्हारी सगाई हुई है, शादी तो तब होगी जब विष्णुपुरी में जाएंगे, विष्णुपुरी अब तो कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी नहीं होती है, वास्तव में बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है, हाँ बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है, तो विष्णुपुरी में जाएंगे, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, विष्णुपुरी है अभी इस दुनिया में, अरे इस दुनिया में विष्णुपुरी है, कौन कौन सी पुरी है, अरे कौन कौन सी पुरी है इस दुनिया में, है ब्रह्मापुरी है, सुनने सुनाने वालों की पुरी है, माने ब्रह्मापुरी है, शंकरपुरी है, मनन चिंतन मंथन करने वालों की पुरी है, क्या समझने समझाने वालों की पुरी है, जिनकी बुद्धि मनन चिंतन मंथन करने में लगी रहती है, समझने समझाने में लगी रहती है, नई दुनिया की प्लानिंग में लगी रहती है, और बाहर की दुनिया की बातों में नहीं जाती, तो कहाँ के वासी हुए, सूक्ष्म मतलब वासी हुए, तो है सब विष्णुपुरी कहाँ, अभी ऐसा कोई पति और पत्नी है दुनिया में जिसमें कभी लड़ाई ना होती हो, अरे विष्णु जो पति पत्नी है लक्ष्मी नारायण है उनमें लड़ाई होती होगी कभी, लक्ष्मी नारायण को ही विष्णु कहा जाता है, तो उनमें तो लड़ाई होती ही नहीं कभी, हैं कहां वो इस दुनिया में कहीं हैं, अरे हैं हैं, जगत पिता जगदम्बा हैं, हैं तो आएंगी, अब मेरा थे अभी विष्णुपुरी है ही नहीं, है ही नहीं तो कहां थे, हैं देखो है तसल्ली रखो, माता पिता सब मिलेंगे, देखो बाबा जो शिवंशु की माँ है, माँ है जी, उनको जो अपना आदर्श मान के चलते हैं, हाँ, तो जो उनको कभी देखे नहीं, देखे ही नहीं, आवाज भी नहीं सुना, आवाज नहीं सुना, फिर भी उनके साइड बहुत टचिंग होती है, खिंचाव होता है, खिंचाव होता है, ऐसा क्यों, हाँ ऐसा क्यों, पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो हूँ, माता पिता का खिंचाव नहीं होगा, अरे पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो खिंचाव नहीं होगा, और पूर्व जन्म का हिसाब किताब नहीं होगा जिसका,
उसे क्यों याद आएगी? लेकिन बाबा बिना देखे भी ऐसे हो जाता है। हाँ, बिना देखे भी ऐसे हो जाता। देखा ब्रह्मा बाबा, किसी ने देखा है क्या? यहाँ कोई बैठा है यहाँ ऐसा जिसने ब्रह्मा बाबा को देखा हो? खिंचाव होता है कि नहीं? बहुतों को होता है। तो पूर्वजन्म का हिसाब किताब है ना ब्रह्मा वाली सोल के साथ? कभी जन्म वन्म लिया होगा कि नहीं होगा? प्यार लिया होगा कि नहीं लिया होगा? उनके साथ कोई संबंध जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा, जुड़ा ना हो तो माँ कैसे बने? तो याद भी है बाबा। हाँ, दुनिया में जो कुछ भी होता है मना अच्छा हो बुरा हो, उसका बेसिक के मना बेसिक में भी चलता है, और बेसिक बेसिक में जो होता है उसका ये एडवांस में पहले होता है, उससे पहले बेसिक में होने के पहले, और सबका बीज तो एक ही है। ठीक है, तो क्या हुआ? तो लेकिन उनकी धारणा तो ऐसा तो नहीं दिखता कि मना सारी दुनिया का शूटिंग उस तरीके से हो जाए, गलत मना बुरा हो या अच्छा हो। बीज के ऊपर तो डिपेंड होता है ना, बीज जैसा रहेगा वृक्ष भी तो वैसा होगा। क्यों, धरणी का हिसाब नहीं होता है? धरणी कैसा? बीज अच्छे से अच्छा हो और धरणी पथरीली हो तो कुछ असर तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उगेगा भी बहुत दिनों के बाद, जब वो पत्थर टूट टूट कर मिट्टी बनेगा तब कहीं उगेगा। वो तैयार होता तेल कहाँ होगा? देगा बोला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसने तो बीज को ही पकड़ लिया। महाभारत में दिखा था ना पांडव का अज्ञातवास के बाद युद्ध होता है, फिर उसका अज्ञातवास के बाद युद्ध होता है। हाँ, तो क्या हुआ? ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार में कैसे माना शूटिंग होता है दुनिया में? इस दुनिया में किसी का अज्ञातवास है या नहीं है? किसका है? बाबा का है। तो फिर अज्ञातवास पूजा पूरा होगा तो लड़ाई नहीं शुरू होगी? फिर क्या बात बाबा, समझाओ बाबा। लड़ाई जो शुरू होगी ना है? तो उस टाइम तो कृष्ण वाले माना दिखाते हैं महाभारत में, कृष्ण तो पूरा पढ़ाई पढ़ चुका रहता, इसका मतलब कृष्ण क्या माना कृष्ण पूरी तरह क्या पढ़ाई पढ़ चुका रहता है, पढ़ चुका रहता है, पढ़ा हुआ रहता है। जब महाभारत युद्ध शुरू होता है कृष्ण पूरी पढ़ाई पढ़ा रहता है, उनका पढ़ाई तो पूरी दिखाते है ना, पढ़ाई पूरी होने के बाद ही तो फिर लड़ाई होती है? नहीं, तुरंत लड़ाई नहीं होती, लेकिन पढ़ाई तो पूरी हो जाती है ना। पढ़ाई पूरी होगी पहले राम वाली आत्मा की कि पहले कृष्ण वाली आत्मा की? राम वाली आत्मा। तो उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो लड़ाई शुरू होगी कि नहीं होगी? लड़ाई शुरू होगी जब फोर्स से, तो कृष्ण वाली आत्मा धृतराष्ट्र पहले बनेगी कि कृष्ण बन जाएगी? क्या बनेगी? धृतराष्ट्र अंधा बन जाएगी। मैंने वो उस दुर्योधन शासन जैसी आत्माओं को सपोर्ट करेगी। बाबा, आज मैं सूर्यवंशी माँ का कुछ है? आदि के कहानी में सूर्यवंशी के माँ का कुछ नहीं बताया। अच्छा, अव्यक्तवाणी तुमने सुनी ही नहीं? अव्यक्तवाणी में तो बाबा ने बताया है कि तुम बच्चों ने दीदी दादी दादाओं की भी श्रृंगार किया है, तो इसे उन लोग आगे आदमी श्रृंगार किया ही नहीं। सूर्यवंशी माना आदि में भी सूर्यवंशी माँ थी क्या? नहीं। अच्छा, सूर्यवंशी पहले नहीं होते हैं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सूर्यवंशी माँ माँ के रूप में माना ये थी या दूसरे कैसे भी रूप में हो थी, माना ये नहीं है कि सूर्य माँ के रूप में ही होना है। जैसे बड़ी माँ छोटी माँ थे ना, तो उसी तरीके से सूर्यवंशी माँ जो अलग से थी, जो श्रृंगार करेगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा। फिर जैसे छोटी माँ का माना लक्ष्मी का इतना गायन है, सूर्यवंशी माँ का दुनिया में इतना गाय नहीं है, माना सूर्यवंशी माँ के रूप में नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके। काशी नगरी का गाय नहीं है? सारे विद्वान पंडित आचार्य तो वहाँ काशी नगरी में ही नागरा करने जाते हैं। तेरे को नहीं होगा,
तेरी दृष्टि में नहीं है, लेकिन दुनिया के जितने पंडित विद्वान आचार्य सन्यासी हैं उनके लिए मान किस कौन सी नगरी का है? काशी नगरी का मान है। काशी नगरी सूर्यवंशी मां नहीं है? यही पता नहीं कि काशी नगरी ही सूर्यवंशी की मां है। बाबा ये सूर्यवंशी के हिसाब से नहीं है। अच्छा हाँ चलो आगे। बाबा जो अष्टदेव जो बोला जाता है तो आदि में भी थे लेकिन वो परिवार में थे या अलग से थे? मना राम वाले आत्मा के परिवार में थे प्रजापिता वाले। जो भी अच्छी और श्रेष्ठ आत्मा होगी अगर उसे भगवान मिलेगा तो उसका फर्ज क्या कहता है? पहले किसको बताए? परिवार वालों को बताए, जो नजदीकी है उनको बताए। घर का सुधार, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। नियम क्या है? पहले अपने घर वालों, पहले अपने घर वालों का सुधार, फिर दुनिया वालों का सुधार, दुनिया को। तो प्रजापिता वाली आत्मा को यज्ञ के आदमी को सच्चाई का पता चला तो पहले किसको बताएगी? अपने घर वालों, पहले ब्रह्मा बाबा को बताएगी? नहीं। अच्छा पहले अपने परिवार अष्टदेव वालों, अपने नजदीकी होंगे उन्हीं को बताएगी। ये बात ऐसा नहीं है तुरंत की तुरंत मना ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाबा ने छोटी माँ के द्वारा एक मना प्रश्न रखा गया क्या भागीदार सामने? हाँ, तो ब्रह्मा छोटी माँ के ऊपर विश्वास, बड़ी माँ के ऊपर विश्वास कर लेगा? नहीं। फिर छोटी माँ का मना उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन हुआ कि ऐसे ऐसा मना साक्षात्कार का अर्थ बताया गया। हाँ? तो उस टाइम अष्टदेव भी साथ थे मना? इसका मतलब त्रिमूर्ति को पहले, त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति को पहले पता चल जाता है ना? अब पहले पता तो चल जाता है त्रिमूर्ति को, लेकिन पूरा निश्चय भी तो बैठे। निश्चय एक को बैठता है या तीनों मूर्तियों को बैठ जाता है? कि सोचने समझने का मौका चाहिए। उनकी कैटेगरी तीन मूर्तियों की एक जैसी है या ऊपर नीचे है? ऊपर नीचे है। शंकर की कैटेगरी ऊंची है, विष्णु की कैटेगरी नीची है, ब्रह्मा की कैटेगरी और नीची है। वो कैसे समझेंगे? जो जो कुल का होगा। हाँ, तो शंकर की कैटेगरी के जो होंगे उनके कुल के वो पहले समझेंगे। बाबा जो राम वाली आत्मा राजा भी बनती है प्रजा भी बनती है, प्रजा में जो सब करते हैं, लेकिन प्रजा बाबा ने बोला प्रजा बनना मना मना किसी का ऊपर प्रभावित होना, प्रभावित होना। राम वाली आत्मा किसके ऊपर प्रभावित हुई थी? जो उस समय का नारायण होगा उसे प्रभावित हुई होगी, तभी तो अपना धन दिया उसको। आठवां नारायण, आठवां जो नारायण होगा सत्युग का, उस नारायण को राम वाली आत्मा ने अपना सारा धन दे दिया राजा ही चलाने के लिए, तो प्रभावित तभी वो प्रजा लेकिन धन देने इधर धन दे देते हैं धन दे देते हैं उधर प्रजा बन जाती। प्रभावित हुए बगैर प्रजा कैसे बनेगी? लेकिन प्रजा में भी अव्वल नंबर की प्रजा बनती है। ज्यादा धन दान करेगा तो अव्वल नंबर बड़ा साहूकार नहीं बनेगा? माना जब भी प्रजा बनेगा तो उसी इसमें कैटेगरी में जाएंगे बाबा। ओम शांति। जैसा करेगा वैसा बनेगा। हाँ जी बात है। माना प्रजा जो है सत्य पिताजी के में कि दापुर जी से जो प्रजा बनती है कौन से उसकी प्रजा के बताए तो कौन से जन्म बनता है? तो वही बाबा जो बोला जाता पुराने हैं तो ज्ञान तो हो गए ही। पुराने तो हैं बाबा। ये बात है कि जो स्थापना करेगा वो विनाश भी करेगा और पालना मतलब पालना भी करेगा। तो जब द्वापर स्थापना करेगा तो विनाश भी करेगा पालना भी करेगा। आत्मा है। हाँ। आत्मा स्थापना भी करती है। हाँ। पालना भी करती है। हाँ। विनाश भी करती है। और द्वापर युग में मना जैसे राजा बनता है तो वही पहले स्थापना करने के लिए भी निमित्त बनता है और उस जो स्थापना करने के निमित्त राज्य जो राज्य स्थापन करते हैं ना शुरुआत कर, जैसे बाबर मुसलमान इसमें
मना मुगल इसमें बोले जाते ना बाबर बाबर के द्वारा स्थापना, वो तो कलयुग की बात हुई, वही कलयुग की बात है। उसमें फिर निमित्त भी वही आत्मा बनती है बाद में, मना विनाश करने के लिए भी, उसको बिगाड़ने के लिए राजा को स्थापना में जो आगे होगा, शूटिंग पीरियड में जिस धर्म की स्थापना में आगे होगा वो वहां भी आगे होगा, जो स्थापना में आगे होगा सो पालना में भी आगे होगा, जो पालना में आगे होगा सो विनाश में भी आगे होगा। नहीं बात क्या हुई, लेकिन पावर कहाँ बढ़ी जाती है, संगम माना जब राजा स्थापन करते वही आत्मा ही शुरुआत करती है, माना उसको बिगाड़ने के लिए भी जब दूसरी जन्म माना जब जन्म लेती है जब तमो प्रधान बनेगा, जब मुगल धर्म तमो प्रधान बनेगा तब तो वही आत्मा, हाँ नष्ट कौन करेगा, दुर्गुणों का विनाश कौन करेगा, जो स्थापन की है जो स्थापना किया पालना किया वो विनाश करेगा। शंकर ने बैंक को छाला लगा दिया, बाघंबर बाघ की खाल ओढ़ ली, माने उनका जो शरीर है जो पार्ट बजाने वाला है शरीर के द्वारा, वो शरीर से एक्ट ऐसी करता है कि जैसे बाघ शेर की तरह एक्ट नहीं करता है, शेर सीधा हमला करता है, क्या ये नहीं देखेगा कि यहाँ खतरा है मर जाएंगे कोई कुछ कर देगा, नहीं इधर से गोली आई चाहे कुछ भी हो जाए उधर ही वो छलांग लगा के हम धार पार मर मचा देगा भले जान चली जाए, वो क्या करेगा। अच्छा इसमें कौन सा परख लेगा कौन सा अच्छा है, मना मौका अभी ठीक नहीं है, मौका ठीक नहीं ओंछू इधर उधर से देखता रहेगा क्या हाल है अभी लोगों का, जब देखेगा इधर उधर बिखर गए दार से हमला कर देगा, मना उसका चाल अच्छा है, है? उसका मना जो चाल चलन जो है वो अच्छा है। किसका चाल चलन अच्छा है, बाघ का चाल चलन अच्छा नहीं है, चालाक है, अच्छा नहीं है, बुद्धू बना नहीं करता है क्या, लेकिन होशियार है ना, होशियार है अपने को बचा लेता है ना, इसलिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन दिखाया जाता है, शेर नहीं लाइन नहीं टाइगर दिखाया, छोटे मुंह वाला होता है क्या, का माथा तो जबरदस्त है लेकिन देखने में छोटा होता है, और शेर का माथा देखने में बड़ा है लेकिन है बच्चा बुद्धि। और ये अर्धनारीश्वर का जो बात होती है वो किसके लिए लागू होती है, अर्धनारीश्वर तेरे लिए भी लागू होती है, नहीं शिव और शक्ति की बात आती है, हाँ? पहले बोला जाता था कि ब्रह्मा मना ब्रह्मा वाली आत्मा माँ के रूप में एक ही तन में राम बाप और या शिव बाप जो तो नहीं है, हाँ? एक तन में नहीं है, वही मैंने माँ के रूप में ये प्रवेश, माँ भी नहीं है उसमें काम करने वाली है, बाप नहीं है काम करने वाला है, तो अर्धनारीश्वर नहीं हुआ, हो गया। बाप दादा और अर्धनारीश्वर में कोई अंतर है, जो बाप दादा है वो अर्धनारीश्वर है, लेकिन अभी मना थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, क्लैरिफिकेशन क्या चेंज हो गया, योगिनी माँ जो है योगीराज के साथ उनके लिए बोला गया कि अर्धनारीश्वर का पार्ट, उन दोनों की पार्ट के लिए बोला गया, अम्मा का पार्ट जो है वो अम्मा के रूप में कोई बजाएगा या बाप ही बजाएगा, रुद्रमाला की मणका में कोई मणका है जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर सकती है माँ के रूप में सबसे पहले, कर सकती कौन है, प्रवेश की ब्रह्मा की सोल ही तो अर्धनारीश्वर में नारी है, तो किस मण के द्वारा कार्य करेगी, कौन सा मण का है जो नारी के रूप में विशेष सहयोगी बन सकता है, प्रैक्टिकल में चाहिए ना, और
एक चित्र में ऐसे दिखाया गया है अर्धनारीश्वर और एक तरफ मतलब शेर है एक तरफ सिंह नारी की तरफ शेर है और पुरुष की तरफ बैल है एक किन किन की याद है अरे दो बैल है कि एक ही बैल है एक ही बैल है नहीं दो बैल तो दो है लेकिन उसने एक ही दिखाया अरे गाड़ी में जब बैल जोते जाते हैं दो तो सस्य रूपी गाड़ी जब चलती है तो दो बैलों से चलती है एक बैल से दो बैल होते हैं एक दायां और एक बायां मैंने शेर का भी निशानी जो है शेर नहीं सिंह दिखाया है एक एक बायां शेर है एक एक बायां बैल है जब उसको उसको चलाते हैं ना तो चलाने को करते कैसे करते कैसे करते मतलब उसका स्पेशल आवाहन करते हैं और एक को करते वो कौन सा बैल बाबा माना ये कावन करते जो लेफ्टिस्ट है वो टिक 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 बहुत करता है माना राम वाले आत्मा जिंदगी में परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है ब्रह्मा के अच्छा राम वाले आत्मा के है परिवर्तन नहीं होता कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है अपने को मोल्ड कर रहा है ना वो तो कर रहा है कौन मोल्ड कर रहा है राम वाले आत्मा रुद्रमाला में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है रुद्रमाला में तो नहीं हो रहा लेकिन रुद्रमाला में नहीं तो उसमें भी नहीं होगा उनका तो ध्रुव माना अपने निश्चय पर अटल है ना वो तो निश्चय पर अटल होना एक अलग बात धारणा लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है अरे माना किस तरीके से परिवर्तन ब्रह्मा बाबा के जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता था लोगों को अच्छा पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए तो वो टिक टिक बहुत करता है ज्ञान की टिक टिक बहुत करता है वो हुआ टिक टिक लेफ्ट लेफ्ट बेल और जो आ आ आ सब बुलाते रहते हैं ब्रह्मा बाबा को बुलाते कि नहीं है अभी भी बुला रहे हैं तो आ आ आ राइट यस बेल गाड़ी है षष्ठी रूपी गाड़ी ये ब्राह्मणों की षष्ठी रूपी गाड़ी है ये दो बैलों की जोड़ी है क्या कांग्रेस पार्टी में शुरुआत जब कांग्रेस बनी तो क्या था निशान दो बैलों की जोड़ी है तो पार्वती की तरफ है शेर कैसा शेर छोटे मुंह वाला या बड़े मुंह वाला वो कौन है फिर भूल गया बड़े मुंह वाला अभी प्रजापिता हो गया बड़े भोड़े वाला सीधा साधा होता है क्या लेकिन शेर दिल होता है और जो छोटे मुंह वाला है और सीधा साधा नहीं होता है स्वभाव स्वभाव से तिकड़मी होता है चालाक होता है देखे करते छोट रहा बाबा जो घर में मान लो नदी समाधि है आपस में लड़ रहे हैं तो बोलना चाहिए है? उसमें नहीं जैसे परिवार में मान लो आपस में दो लड़ रहे हैं तो उसमें उनको बोलना चाहिए कुछ नहीं परिवार में कौन लड़ रहे हैं भाई बहन लड़ रहे हैं कि पति पत्नी लड़ रहे हैं कौन लड़ रहे हैं मतलब इससे आपस में बाप बाप बेटे लड़ रहे हैं कि बाप बेटी लड़ रही है कौन लड़ रहे हैं वही परिवार में हो गए फिर वही परिवार में हो गए पति पत्नी लड़ रहे होंगे पति पत्नी की लड़ाई में हमें थोड़ा टांग अड़ाना चाहिए पति पत्नी की लड़ाई में हम क्यों टांग अड़ाएं हाँ माँ बेटी है बाप बेटा है उसमें किसी गलती है तो बताओ और माँ ये बैठे लड़ाई है सरका का करी माँ बेटी में बोली तो और डांट सुनी माँ बेटी में माँ बेटी में लड़ाई होती है अगर किसी गलती है तो बता सकते हैं तुम्हारी गलती माय माय दिया में अगर गलती मान लो दिया में गलती नहीं बा अगर माय चल बैठ जाती है ओके मारे जाती है गंदी गंदी बात बोल जाती है तो उन्हें जो सहे वाला रहे कहे माय चलने बोला तो वही सब मिल जाए महाकाली के रूप में ब्रह्मा ही पाठ बजाते हैं ना महाकाली के रूप में ब्रह्मा ही पाठ बजाते हैं ना ठीक है उसका जो कुजरा मना जो भी मिलता है वो
मतलब ब्रह्मा ही जो ब्रह्मा जो पाठ बजाते ना महाकाली का पाठ तो ब्रह्मा बजाते हैं लेकिन उसका असर तो त्रिचोला के ऊपर पड़ता है मतलब ये भी तो ये हिसाब किताब के आधार पर पड़ता है हिसाब किताब है करो पूरा बारह भुगतान मना आखिर ऐसा कैसे कौन सी हिसाब किताब है बाबा ब्रह्मा और उस त्रिचोले में हाँ उसे पुरुष को लेकर कभी अत्याचार किया होगा ऐसा जगदम्बा पुरुष बनकर अत्याचार नहीं कर सकती नौ बजने वाले हैं यहाँ से क्या बजे निकलना है साढ़े नौ निकलना है तो चौर के बैठ जाएंगे ये नहीं उठने देंगे।